नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला आलू। जो हमने आधा किलो आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको हमने उबाल लिए हैं, छील लिए हैं। 6 कलियाँ लिए लहसुन की, उन्हें बारीक काट लिया है। आधा इंच अदरक को भी हमने बारीक काट लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लिया राई, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लिया है साबुत धनिया, 1 टीस्पून लिया सफ़ेद तिल, 1 टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसको हम गरम कर लेंगे। पहले ये गरम हो गई, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे धनिया, उसको चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। फिर डाल देंगे इसमें जीरा। ये मसाले हमारे 30 से 40 सेकंड में भून जाएंगे। अब डाल देंगे इसमें हम तिल, सफ़ेद तिल, और गैस को बंद कर देंगे। ये पैन गरम है, इसी में मसाले भून जाएंगे। मैं इसे खरल में पीसूंगी, आप चाहें तो मिक्सी में पीस लीजिए। और दरदरा पीसना है इसको। अब फिर यही कढ़ाई लेके हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको गरम कर लेंगे। ये ऑयल गरम हो गया, अब इसमें हम आलूओं को डाल देंगे। हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है। हमारे 5 से 7 मिनट में चलाते हुए ये शैलो फ्राई हो जाएंगे। इसी ढंग से चलाते रहें, पलट रहें। ये हो गए हैं, अब इसको हम कम गैस करके निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसी ऑयल में हम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून राई, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब डाल देंगे लहसुन, लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसे चलाएंगे, उसे अच्छे से भून लें चलाते हुए। ये हो गया, अब इसमें डाल देंगे अदरक, उसे भी मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हल्दी, इसे भी मिक्स करेंगे। और 1/2 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। इन दोनों को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लें। अब डाल देंगे हम इसमें टोमेटो प्यूरी, उसे भी 1 मिनट तक चलाते हुए तेज गैस पे भून लेंगे। ये हो गया है। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लें चलाते हुए। अब डाल देंगे आलू इस मसाले में, अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे चलाते हुए। ये हो गए हैं, गैस को कम कर लें। अब जो हमने मसाला तैयार किया है, पहले डाल देंगे 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम अमचूर। अब डालेंगे हम मसाला जो हमने तैयार किया हुआ है, ऐसे ही फैलाते हुए इसे डाल देंगे। देखिए मैंने दरदरा पीसा इसे, ये सारा ही डल जाएगा। इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दें चलाते हुए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए हमारे आलू तैयार हैं, गैस बंद करके इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे आलू मसाला तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे चपाती और परांठे के साथ। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।